आज हम फिर एक बार खेल रहे हैं ये मनहूस गेम इस मनहूस औरत के साथ। लास्ट टाइम अपने को ग्रैनी ने बहुत ज्यादा कूटा था। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे ग्रैनी को ही कूटने की, मतलब हमको उसको मारना नहीं है, हमको सिर्फ एस्केप करना है। ओह भाई, एक्सट्रीम पे नहीं करना है अपने को, इजी पे ही करना है, मतलब घर के बाहर में निकलना है। एक्सट्रीम पे करेंगे तो मतलब पहले ही दिन खत्म, बाय बाय टाटा। डे वन स्टार्ट हो गया और अपने को कोई टाइम पास नहीं करना है, सीधे बाहर भागेंगे, भगते रहेंगे जब तक सामान ना मिल जाए, और फिर घर से भी भग जाएंगे। ये हमारा आज का बहुत ही खतरनाक प्लान है। कोई सेंस है इस बात की? ये वास हम लेंगे और नीचे फेंक देंगे ताकि ग्रैनी का ध्यान जो है वो नीचे चला जाए। उसके बाद ऊपर वाले सारे कमरे छान मारेंगे, और अगर कुछ अच्छा मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर नीचे वाले कमरे छान मारेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अपने को कार की मिल गई तो हम कार एस्केप करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है, मतलब अगर डोर एस्केप हो गई तो वो भी कर लेंगे, ऐसे कुछ ज्यादा नखरे करेंगे नहीं हम, पहले हमारी बहुत वाट लग चुकी है। तो ग्रैनी ने शायद अपने को देख लिया, इसलिए जाके छुपते हैं सबसे पहले और ग्रैनी के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ग्रैनी आ जाएंगी हम उसको चकमा देके भाग जाएंगे। 6.5 hours later ग्रैनी आ गई है अपना डंडा लेके, और अभी वो देखेगी कि कौन है इधर, और वो इतने भी कष्ट नहीं लेंगी नीचे झुक के देखने के, तो इसलिए हम सेफ है पूरी तरह से। ग्रैनी अभी चली गई है तो वी आर कम्प्लीटली सेफ नाउ, अभी हम बाहर निकल के भाग सकते हैं। और अपने को रेंज भी दिख गया, तो हमारा और एक इम्पोर्टेंट काम हो गया, क्योंकि रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार एस्केप में। अभी हमको जाना है गैरेज में दादी जी की लैम्बोर्गिनी ठीक करने के लिए, उसके बाद हम उधर से ही भाग जाएंगे। पर पहले इधर देख लेते कि इधर क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम इधर विंच हैंडल ही होता है, इस बार भी इधर विंच हैंडल ही है, वो अपने को कुएं में यूज करना होता है। लेकिन इस वाले रूम में रहता है टेडी, जो कि स्लेंड्रिना का टेडी, और स्लेंड्रिना बहुत ही डेंजरस घोस्ट है, और जब भी हम स्लेंड्रिना का टेडी हाथ में लेते हैं ग्रैनी पागलों की तरह अपने पीछे लगती है, तुम छुप जाओ, तुम कुछ भी करो, ग्रैनी तुमको ढूंढ के ही रहेगी, और इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। स्लेंड्रिना का टेडी अपने पास ही रखो स्लेंड्रिना, हमको तुम्हारा टेडी नहीं चाहिए, अपने को शांति चाहिए। अभी हमारे हाथ से चाबी गिर गई थी इसलिए ग्रैनी आ गई। ग्रैनी के कान इतने तेज है ना भाई, बहुत ज्यादा, मतलब घर में किधर भी कुछ भी आवाज हो जाए ये दौड़ते चली आती है, मतलब मानना पड़ेगा इसके लिए। अभी ये ऊपर जा रही है तो हम इधर से भग जाएंगे नीचे, और नीचे जाके कार खोलेंगे सबसे पहले। वो अपने को सबसे पहला काम करना है, अपने पास रेंज भी है तो अपने को सिर्फ इंजन पार्ट ढूंढना है, और फिर उसके बाद गैसोलीन, उसके बाद जो पैडलॉक की है वो ढूंढेंगे, और फिर सारा काम हो गया तो हम भाग जाएंगे उधर से। तो सबसे पहले नीचे जाते अपने पास कार की है तो, और इधर लेफ्ट साइड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे रिमोट है और रिमोट से स्प्रे खुलता है, और स्प्रे का अभी हमको कोई काम नहीं है, बस एक बार मेरे को शॉटगन के पार्ट्स नहीं तो वेपन की मिलने दो, मजाक नहीं, बहुत ज्यादा मजा आएंगे जिंदगी के। इधर अपने को हैमर भी दिख गया इसलिए एक और काम हो गया, क्योंकि हैमर अपने को मेन डोर पे भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए प्लैंक लेने के लिए, और एक नीचे भी चाहिए उधर जो सीवर होता है उसमें भी एक जगह हैमर की जरूरत होती है। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हमारे पास मेन डोर का भी सामान है, हमारे पास कार एस्केप का भी सामान है, तो हम क्या करें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दोनों जोड़ते चले जाएंगे, जो पहले हो गया वो कर देंगे, मतलब ऑब्वियसली यही प्लान मेरे आंखों के सामने आ रहा है अभी। और शायद ग्रैनी को हम दिख गए, अरे भाई भागो भागो जल्दी से भागो। मैं बोलते बोलते मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा बाजू में सरक गया और ग्रैनी को हम दिख गए। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही धीरे भागती है ग्रैनी, बुढ़ापे के कारण वो भाग भी नहीं सकती है और झुक भी नहीं सकती है, तो अपने पास कोई ऐसा रिस्क नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि मेरे को ऐसे मरने का नहीं है, मेरे को जेन्युइनली इस बार एस्केप करने का है, तो इसलिए मैं ऐसे ग्रैनी के सामने नाटक करूंगा ही नहीं। ग्रैनी दिख गई कि चुपचाप छुपने का, और अगर उसको हम दिख गए तो चुपचाप भागने का, ये दो ही प्लान मेरे पास है अभी। तो ग्रैनी को हम शायद नहीं दिखे तो ग्रैनी चुपचाप ऊपर चली जाएंगी, हम इधर से नीचे से कट लेंगे और फिर बाकी का सामान ढूंढेंगे, तो इतना ही कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ में दूसरा कुछ है भी नहीं। तो अभी ग्रैनी दिख नहीं रही है तो इधर से जल्दी से भाग के चले जाते। ओ माय गॉड, अरे यार ट्रैप में फंस गए, जल्दी से निकालना पड़ेगा ट्रैप। 5 मिनट हो गए गेम स्टार्ट करके और लिटरली वी हैव डन नथिंग, हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कम से कम मरे भी नहीं है, मतलब पिछले बार जब खेले थे तो 5 मिनट में ही निपट गए थे, पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन कम से कम इस बार जिंदा है और कुछ कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। हमारे कार के अंदर भी वेपन की पड़ी है तो अपना काम हो गया, क्योंकि अपने को वेपन की ही जरूरत थी। अभी हम ग्रैनी से बिल्कुल नहीं डरते, ग्रैनी को सामने आने दो, हम उसका गेम बजा डालेंगे। इतने दिनों से ग्रैनी के दंडे खा रहे थे, दंडे बरसाई जा रही थी अपने पे, अभी हमारा टाइम आ गया है।
अभी हम ग्रैनी को बताएंगे कि डीजोन क्या होता है। अभी लेके आएंगे क्रॉसबो, क्रॉसबो में भरेंगे वो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट और फिर ग्रैनी को दो दो मिनट के लिए टपका देंगे और उसके बाद अपने काम कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। वेपन की ही जरूरत थी मेरे को सबसे ज्यादा। अभी मेरे जानकारी के हिसाब से ऊपर वाले फ्लोर पे ही वो वेपन का शेल्फ रहता है, तो उसको जाके खोलते और ये रहा, हाँ यहाँ पे ही है, तो इसको हमने खोला। ये रहा हमारा हथियार, ये रहे हमारे जो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है वो, और अभी आने तो ग्रैनी को। अब हम पूरी तरह से तैयार है, दिखने दो सिर्फ सामने और हम जानबूझ के आवाज करेंगे ताकि ग्रैनी दौड़ती यहाँ पे चली आए और फिर उसको पछतावा होगा। फिर ग्रैनी को पता चलेगा हमसे पंगा लेने के जो परिणाम होते हैं भयानक वाले। हमने जानबूझ के ये क्रॉसबो ड्रॉप कर दिया ताकि ग्रैनी आ जाए जल्दी से और हमारा मोस्ट फेवरेट मोस्ट अवेटेड मूवमेंट इन दिस गेम आ जाए। हम अभी ग्रैनी को शूट करेंगे, जैसे ही ग्रैनी आएगी हमको दिखेगी हम शूट कर देंगे। अभी शायद वो आ गई है, मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है, जल्दी से आ जा जल्दी से आ जा। और ये आ गई और ये हमने किया शूट। अभी हमारे पास दो मिनट है, हमारे पास सिर्फ दो मिनट है भागने के लिए। सबसे पहले तो अरे ये कलेक्ट कर लूं ताकि हमको बाद में भी इसको मारने का। अरे यार ये आ जाना, तुमसे ना हो पाएगा, खत्म हो गया तेरा काम, अभी पड़ी रहे यहाँ पे दो मिनट के लिए। जल्दी से भाग के हमारा काम कर लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये स्क्रू ड्राइवर नीचे गिरा देते हैं और स्क्रू ड्राइवर वाला जो चेंबर होता है वो खोल लेते हैं, क्योंकि बाद में वो करने का हमको ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा डेंजर एरिया है, मतलब इधर आने में मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो इधर के सारे काम अभी कर लेते हैं, ग्रैनी नहीं है तो। हम स्क्रू ड्राइवर वाले रूम में पहुंच गए, लेकिन मेरे को आशा है कि इसमें से कोई अच्छी चीज़ ही निकले, कोई टट्टी चीज़ ना निकले, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ भैया सेफ की मज़े आ गए, जिंदगी में मज़े चल रहे हैं अभी। सेफ की मिल गई और सेफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लग रहा है कि गेम इजीली पूरा हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे डे वन पे ही पूरा करने की। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम जल्दी से हार नहीं मानते। तो जल्दी से सेफ की से खोल लेते हैं अपनी सेफ और सेफ में से निकाल लेते हैं कीमती सामान, क्या है देखते। ओ भैया कार बैटरी, हम कार स्केप करने वाले थे, हमारे पास कार बैटरी आ गई। ग्रैनी का फिर एक बार जागने का समय पास में आ रहा है, इसलिए मैंने हैमर उठा लिया और यहाँ पे एक काम करते हैं और फिर क्रॉसबो उठा के ग्रैनी को फिर एक बार टपका देते ताकि हमको और ज्यादा दो मिनट मिले। और फिर और ज्यादा दो मिनट में हम प्लायर्स वाले भी काम करके आएंगे और हैमर वाले भी काम करके आएंगे। सो गाइस वी आर ऑन द राइट ट्रैक और इसमें देखते क्या है, मेलन है इसमें, मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किचन भी छान मार लेते हैं जब तक ग्रैनी उठती है और ग्रैनी उठने के बाद उसको फिर एक बार मार देंगे। किचन में यार कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब खाली किचन पड़ा है ग्रैनी का, मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेरी पहले इतनी फट्टी है किचन में आने के लिए और फिर भी इधर कुछ नहीं मिलता ना, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन अभी ग्रैनी उठ गई होगी तो जल्दी से जाके उसको मारते, बाकी काम बाद में कर लेंगे। पिछली बार हमने उसको ऊपर मारा था तो शायद अभी भी वो ऊपर ही होगी, तो देखते जाके। और ये रही इजीली मार देंगे इसको, ये लो भाई मजा आया। अब मुझे ये गेम थोड़ा इजी लगने लगा है, तो मैं इसलिए अगली बार जब खेलेंगे तब ट्राई करेंगे हार्ड या एक्सट्रीम पे खेलने का। तो मेलन लेके जल्दी से जाते हैं प्ले हाउस में और उधर जो रहता है वो काटने का उस पे डालते हैं, उसके बाद मेलन में से कुछ तो भी निकलेगा। तो मेरे को तो लग रहा है प्ले हाउस की ही निकले, क्योंकि वही रहती है अक्सर इसमें, और दूसरा कुछ भी निकले तो अपना फ़ायदा ही है क्योंकि हम दोनों स्किप का ट्राई करेंगे। तो जल्दी से इस पे लगाते हैं मेलन और ये काट डालते हैं, 1 2 3 येलो कट गया। और यार मास्टर की क्यों मिली, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, जब उसकी जरूरत रहती है तब वो चीज़ क्यों नहीं मिलती है। नसीब ही खराब है हमारा, जाने दो क्या कर सकते हैं। अभी मास्टर की जाके डोर के सामने डालते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग काम है वो कर लेते हैं ग्रैनी उठने तक। फिर ग्रैनी उठने के बाद हमको उसको फिर एक बार मारना पड़ेगा और फिर एक बार बाकी के काम करने पड़ेंगे। तो जल्दी से मास्टर की डाल देते हैं। अभी अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैडलॉक की, क्योंकि वो ही रिक्वायर है दोनों स्केप के लिए। मतलब अगर तुमको कार स्केप भी करना है फिर भी पैडलॉक की चाहिए, अगर डोर स्केप भी करना है फिर भी पैडलॉक की चाहिए, तो अपने को सबसे पहले पैडलॉक की ढूंढनी पड़ेगी। और मेरे को लग रहा है कि इस बार वो इजीली मिलेगी नहीं। इस ड्रॉअर में स्पार्क प्लग है, तो अभी हमारे पास स्पार्क प्लग भी है, हमारे पास बैटरी भी है, हमारे पास कार की भी है, बस हमको चाहिए पैडलॉक की, गैसोलीन और फिर हो गया हमारा काम। तो कार स्केप मेरे को सबसे ईजी लग रही है अभी, लेकिन जब तक पैडलॉक की नहीं मिलती तब तक हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि उसी के वजह से हम एस्केप कर सकते हैं। तो शायद हम डे वन पे ही जीत जाए, हमारा नसीब अभी अच्छा चल रहा है। A few moments later. सेफ में पड़ी हुई बैटरी लेके हम जल्दी से कार में लगा देते हैं, फिर हमारा और एक काम हो जाएगा। और आई थिंक हमारा इंजन पार्ट भी लगाना बाकी है, तो मेरे को लग रहा है कि विंच हैंडल जब हम लगाएंगे कुएं को
तो उसमें से हमको वो मिल जाएगा शायद से, क्योंकि मैंने जितने बार ये गेम खेला है उतने बार मेरे को इंजन पार्ट वहां से ही मिला है। ग्रैनी का फिर एक बार मरने का समय आ गया है, हमारे पास हमारा क्रॉसबो है, जब भी वो दिखेगी तब हम उसको मार देंगे और फिर उसके बाद जाएंगे विंच हैंडल लेके वो इंजन पार्ट लेने के लिए। वो रही ग्रैनी, हम बाहर जाके उनको मार के आएंगे, लेकिन मैं 2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो बाहर ही खड़ी हुई तो हमने उनको मारने से पहले वो ही हमको मार देगी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, इसलिए अभी हम जाएंगे, मेरे को लगता है वो नीचे चली गई होगी तो हम उसको इजीली मार पाएंगे। और उसको हम दिख गए तो वो खुद ही हमारे पास आ रही है और ये ले भाई, जलवा है हमारा, खत्म हो गया इसका गेम फिर एक बार। तो अभी हम इजीली हमारा विंच वाला काम करके आ सकते हैं। अरे यार ये बीच में आके हमारा टाइम वेस्ट करिए, अरे यार चले जा दादी माँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि हैमर लेके जाऊँ ऊपर और हैमर का जो प्लैंक वाला काम है वो करके आऊँ, ताकि फिर बाद में हमको उसको करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर हमारा टाइम भी बचेगा। तो जल्दी से ऊपर जाके हम प्लैंक लेंगे और प्लैंक यहाँ पे लगा के वो फ्लोर तोड़ेंगे और फिर उसके बाद अंदर जाके जो भी सामान है वो लेके आएंगे। तो जल्दी से हमने प्लैंक गिरा दिए है, अभी हम एक प्लैंक उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे और ग्रैनी के घर का नुकसान करेंगे थोड़ा। हमको अंदर भी हैमर की ज़रूरत है क्योंकि अंदर ग्रैनी का एक सिक्योरिटी सिस्टम है और अंदर एक सीसीटीवी लगा है, तो अगर हम वो तोड़े बिना अंदर चले गए तो अंदर फंस जाएंगे, ये बहुत ही डेंजरस ट्रैप है। आई होप कि अंदर हमारे काम की चीज़ हो। ओ यस गैसोलीन, इसकी ही तो ज़रूरत थी हमको। ओह माय गॉड, वाओ। तो अभी हमारे पास गैसोलीन भी है तो हमको सिर्फ इंजन पार्ट और पैडलॉक की चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि इंजन पार्ट तो इजीली मिल जाएगा वो नीचे वाले वेल में, लेकिन पैडलॉक की मिलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो इजीली मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो बाकी चीज़ें फिर नहीं मिलती है। तो जल्दी से गैसोलीन डाल के आते, जब तक ग्रैनी मरी हुई है तब तक जाके गैसोलीन डाल के आते, फिर शायद चांस मिले ना मिले, क्योंकि गैसोलीन डालने में भी काफ़ी समय लगता है। हम गैराज में पहुँच गए हैं हमारे लैम्बोर्गिनी में गैसोलीन डालने के लिए। कुछ भी मतलब बहुत खटारा कार है, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि हमको इसी से बाहर निकलना है। तो जल्दी से इसमें गैसोलीन भर देते, और काफी समय लगता है यार, बहुत ही बोरिंग काम है गैसोलीन डालना। पर हम ग्रैनी को बेहोश करके आए हैं इसलिए हमको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। तो जल्दी से ऊपर जाते हैं और हैमर का और एक काम अपने को करना है, और वो है कि जो नीचे वाला गटर रहता है उसमें से जाके अंदर वो क्रो रूम रहता है जहाँ पे कौवा होता है, तो हमको उस कौवे को भी देखना पड़ेगा क्या है उसके पास। और ग्रैनी का दूसरा पेट भी है स्पाइडर, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि अभी हमको मीट बर्ड सीड स्पेशल की ये भी ढूंढना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है कि ग्रैनी जाग चुकी होगी तो मैं क्रॉसबो लेके तैयार रहता हूँ, अगर दिख गई तो उसको वहां पे ही उड़ा देंगे। हम फिर एक बार रेडी है ग्रैनी को मारने के लिए, और ये ले। कभी कभी लगता है कि पुनीच भगवान है। हम बहुत बार मार चुके हैं ग्रैनी को, अब आदत सी हो गई है मेरे को इसको मारने की, लेकिन अभी मेरे को बुरा लग रहा है उसके लिए। तो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि उसको मारने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके पहले ही हम जीत जाए। तो सबसे पहले कटिंग प्लायर्स के 2 काम कर लेते हैं, नीचे वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कट करनी है, उसके बाद ये जो मेन डोर वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कट करनी है, और कटिंग प्लायर्स से हमको ऊपर वाला पंखा भी बंद करना है ताकि हम उधर से कॉकव्हील ले सके। तो हमने ये वाला तो बंद कर दिया, अभी नीचे जाएंगे और नीचे मेन वाला सर्किट बंद करेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और ऊपर वाला जो पंखा है वो बंद करेंगे। हमको 2 कॉगव्हील लगते हैं और हमारे पास दोनों कॉगव्हील है, एक ऊपर पड़ा है और एक नीचे वाले कबर्ड में पड़ा है। तो हमको सिर्फ अभी प्ले हाउस की ढूंढनी पड़ेगी, और अरे यार फंस गए फिर एक बार यार इसमें। ये ट्रैप्स बहुत ही बुरी चीज़ है, मतलब पता है क्या, पूरा इरिटेट कर देते हैं। आदमी अपना अच्छा खासा काम कर रहा होता है और ये बीच में ही आ जाते हैं, लेकिन उसको रहने दो। अभी हम ऊपर जाके एक कॉगव्हील लेके आते हैं, और हमारा हैमर भी ऊपर ही पड़ा है तो वो भी लेके आते हैं, क्योंकि अपने को हैमर का भी और एक काम है, वो नीचे वाले गटर में जाके वो क्रो रूम से भी लेके आना है। और मैं होप करता हूँ कि क्रो रूम से अपने को पैडलॉक की मिल जाए ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। फिर हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंजन पार्ट चाहिए और वो हमको वेल से मिल जाएगा शायद से, बाकी सब तो सेट है। सिर्फ क्रो रूम से हमको काफ़ी उम्मीद है क्योंकि वहाँ पे कुछ मिल जाए ऐसा लग रहा है, लेकिन जाके देखते हैं अभी, वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या हाल है। डे 1 पे ही हमने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है, अपने पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, लेकिन 2-3 चीज़ें बची है, वो हमको जल्दी से मिल जाएगी। लेकिन ग्रैनी इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने को सावधानी से रहना पड़ेगा। वी आर इन द गटर और सामने जाके क्रो रूम है, और उधर वो कौवा है जिसके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो हम होप करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो पैडलॉक की या फिर प्ले हाउस की, अगर उन दोनों में से कुछ भी आ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो जाके देखते हैं, और इस वाले कबर्ड में हर बार कुछ रहता ही नहीं है, इस बार भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे है कौवे भाई साहब, और इसके पास है प्ले हाउस की। अपना काम हो गया, अपने को सिर्फ अभी बर्ड सीड ढूंढना है या फिर शॉटगन बनानी है ताकि हम इस कौवे को उड़ा सके। इस वाले रूम से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि हर बार इधर कुछ नहीं रहता है। और अरे यार प्लैंक बीच में कहाँ से आ गया, इस प्लैंक को हटाओ कोई, जल्दी से इस प्लैंक को हटा के देखते हैं अंदर। मेरे को नहीं लग रहा कुछ अच्छा होगा इसमें, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते, निकल जाए बर्ड सीड तो मज़ा आ जाए। तो जल्दी से जाके देखते हैं,
और प्लैंक हटा दिया हमने। अंदर क्या है? शॉटगन का पार्ट यार, हम वैसे भी शॉटगन बना ही नहीं रहे, तो शॉटगन का पार्ट लेके क्या करेंगे? तो मेरे को लगता है हम बाहर जाएंगे अभी और ग्रैनी को फिर एक बार मारेंगे। और चलो जल्दी से आ भाई, आगे स्वाद। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the